विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि सुलह विधानसभा क्षेत्र में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमितों के घर द्वार पर जाकर होम आइसोलेशन किट प्रदान कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। परमार शनिवार को ननाव में संगठन के लोगों को संजीवनी होम आइसोलेशन किट प्रदान करने के उपरांत बोल रहे थे कि केंद्र तथा राज्य सरकार कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए पूरी तरह से तत्परता से कार्य कर रही है। प्रदेश में संक्रमण से जूझ रहे लोगों के उपचार को लगभग 5,000 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला में कोविड से निपटने के लिए कोविड अस्पतालों तथा निजी अस्पतालों में बेड की क्षमता को बढ़ाया गया है तथा अब तक जिला में कोविड के लिए 1,000 से भी ऊपर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड मेकशिफ्ट अस्पताल परौर में रिकॉर्ड टाइम में निर्मित करके कोविड रोगियों के लिए समर्पित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सुलह विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जाएगा और अस्पतालों को स्तरोन्नत करने के साथ बिस्तरों की संख्या को बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन एवं आवश्यक दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तथा स्वास्थ्य विभाग को भी कोरोना संक्रमितों की उचित देखभाल के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में कोरोना संक्रमितों को दवाइयां एवं अन्य खाद्य सामग्री पहुंचाना भी संगठन के लोगों के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही रविवार से पूरे सुलह विधानसभा क्षेत्र में होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को संजीवनी किट घर घर पहुंचाएंगे और उनका कुशल क्षेम जानेंगे। विधायक निधि से 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सुलह के अस्पतालों को भेंट किए गए हैं, 5 और देने की घोषणा की गई है। सुलह विधानसभा क्षेत्र में निरंतर कोशिश जारी है कि हमारा जो हेल्थ का नेटवर्क है और मजबूत हो, और हमने 3 वर्षों में पीएससीज खोले हैं, पीएससीज को हमने अपग्रेड किया है, सिविल अस्पताल बनाए गए हैं, वहां पर ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की भी व्यवस्था की गई है। आज मैंने अपनी जो विधायक निधि है उसमें से 5 कंसंट्रेटर देने की बात कही है, वो जल्दी से जल्दी कल ही अलग अलग हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेज दिए जाएंगे और 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आने वाले कुछ दिनों में दे दिए जाएंगे। यही मैं कहना चाहता हूं, जनता का सहयोग मिल रहा है, बहुत आभार। कोरोना रुका नहीं है, कोरोना थमा नहीं है, इससे इस पर विजय हम तभी पा सकते हैं जब हम नियमों का पालन करेंगे, नियमों का उल्लंघन बिल्कुल नहीं करेंगे। ये देश जीतेगा, कोरोना हारेगा। आइसोलेशन में है उनको लेकर के एक संजीवनी आइसोलेशन किट लॉन्च की है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा, और हिमाचल प्रदेश और सुलह भाजपा का जो मंडल है उन्होंने भी, सेवा ही संगठन है, उस निमित्त कल पूरे सुलह विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और हमारे तमाम जितने मोर्चे हैं, चाहे वो महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा है, ओबीसी मोर्चा है, किसान मोर्चा है, अनुसूचित जाति मोर्चा है, अनुसूचित जनजाति मोर्चा है, ये घरों घरों में जा करके इस संजीवनी किट को कोविड पेशेंट तक पहुंचाएंगे। सुलह विधानसभा क्षेत्र में हर पंचायत को सुबह सैनिटाइज किया जाएगा और 11 बजे प्रधानमंत्री जी का मन की बात सुनी जाएगी, मास्क वितरित किए जाएंगे, सैनिटाइज ऐसी बोतल्स जो हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाएगी, जरूरतमंदों तक जो हमारा राशन किट है वो भी वहां तक पहुंचाया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो संजीवनी आइसोलेशन किट है इसमें थर्मामीटर का प्रावधान है, सैनिटाइजर का प्रावधान है, मास्क उसमें डाले गए हैं। हमारा शरीर शक्तिशाली बने, कोरोना के कारण कमजोरी आती है, च्यवनप्राश का काढ़ा का प्रबंध उसमें किया गया है और इसमें 4 प्रकार की दवाइयां कैप्सूल जो हैं वो डाले गए हैं। ये मैं कहना चाहता हूं, एक शुभकामनाएं ऐसे कोविड पेशेंट्स को भी माननीय मुख्यमंत्री जी को उसमें डाला गया है किट में, और जल्दी से जल्दी सभी कुशल क्षेम हो जाएं। ऐसे 1 वर्ष से अधिक समय हो गया जब पूरी दुनिया में इस कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में दुनिया को, इस देश को, हिमाचल प्रदेश को लिया है, और मैं ये कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के अंथक प्रयासों के कारण
इस महामारी पर विजय प्राप्त करने के लिए निरंतर कोशिशें व प्रयास जारी हैं। और इसी संदर्भ में मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो मेकशिफ्ट कोविड अस्पताल हैं, जिसमें लगभग 5000 बेड्स की संख्या निर्धारित की गई है, और हमारे बिल्कुल नजदीक प्रौर राधा स्वामी सत्संग में भी 250 बिस्तरों का ऐसा अस्पताल बनाया गया है। बीच में कर्फ्यू लगाए गए, लोगों से अपील की गई कि कहीं वो अधिक संख्या में इकट्ठे ना हों, नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, हाथों को बार बार धोएं। पर उसी दिशा में हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोशिश की। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला ब्यूरो की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।